नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। न्यूज चक्र में आज आपके सामने तीन बड़े मुद्दे। मुद्दा नंबर एक, आखिर 102 साल के इस स्वतंत्रता सेनानी को बीजेपी क्यों पाकिस्तानी एजेंट बता रही है। मुद्दा नंबर दो, दिल्ली दंगों की वजह से और नागरिकता बिल की वजह से भारत किस तरह से दुनिया के अंदर अपने दोस्तों को गंवा रहा है, और उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का वाहियात बयान। मुद्दा नंबर तीन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपने मना लिया, मगर मोदी जी मेरा आपसे एक सवाल, आप अपने पार्टी के नेताओं को, अपने पार्टी के समर्थकों पर लगाम कब और कैसे लगाएंगे? क्योंकि अगर आप वाकई महिलाओं के प्रति ईमानदार हैं, उनके मुद्दों के प्रति ईमानदार हैं, तो आज जो न्यूज चक्र में हम आपको बातें बताने वाले हैं उन पर गौर जरूर कीजिएगा। मगर शुरुआत हम उस खबर से करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आपके और हम सबके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपके स्क्रीन्स पर इस वक्त 102 साल के एचएस दोरईस्वामी, इनका गुनाह क्या आप जानते हैं? इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि बेंगलुरु के अंदर जो नागरिकता बिल के खिलाफ आंदोलन हुआ था उसमें वो शरीक हुए थे। इनके सिर्फ इस गुनाह के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें पाकिस्तानी एजेंट बता दिया है। आपके स्क्रीन्स पर बीजेपी के ये दो नेता, पहले हैं बीजेपी एमएलए जो कि बीजापुर से हैं, इनका नाम है बासन गौड़ा पाटिल यत्नल। इन्होंने इसे पिछले महीने पाकिस्तानी एजेंट बताया था। यही नहीं, उन्हें साथ मिला केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी। यह खबर हालांकि 4 या 5 दिनों पुरानी है, मगर आप जानते हैं यह क्यों चर्चा में आज, क्योंकि एचएस दोरईस्वामी अपना बायोडेटा तैयार कर रहे हैं यह बताने के लिए कि मैं गद्दार नहीं हूं, यह बताने के लिए कि मैं पाकिस्तानी एजेंट नहीं हूं। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक बात आखिर कुछ हो सकती है? इस वक्त एचएस दोरईस्वामी के पक्ष में कई लोग मैदान में उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इन वाहियात और गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कौन है एचएस दोरईस्वामी? इनका जन्म हुआ था 1918 को, और क्या आप जानते हैं कि वो इन आंदोलनों में शरीक हुए थे? पहला आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, दूसरा आंदोलन विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, और साथ ही हाल ही में बेंगलुरु के अंदर जो लेक्स को रिवाइव करने का आंदोलन है, इन तीनों में ये शरीक हुए थे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले मंगलवार कांग्रेस ने एक दस्तावेज पेश किया। ये दस्तावेज है 1971 का, और वो इस बात का प्रमाण है कि 18 दिसंबर 1942 से लेकर 8 दिसंबर 1943 तक ये शख्स यानी कि एचएस दोरईस्वामी जेल में थे, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जेल में थे। इस शख्स को बीजेपी एक पाकिस्तानी एजेंट बता रही है। ऐसा नहीं है कि ये प्रो कांग्रेस है, मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो एचएस दोरईस्वामी ने यह मुद्दा उठाया था? तमाम जो बड़े बड़े जमीनी घोटाले हुए थे उसको लेकर एचएस दोरईस्वामी ने अपनी आवाज बुलंद की थी। और अब एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1975 जब देश में आपातकाल लगाया गया था, क्या आप जानते हैं उस वक्त एचएस दोरईस्वामी ने इंदिरा गांधी को एक खत लिखा था? इस खत में उन्होंने लिखा था कि इस देश में लोकतंत्र सिर्फ नाम का है इंदिरा जी, और आप एक तानाशाह की तरह बर्ताव कर रही हैं। मेरा सवाल बीजेपी से, मेरा सवाल उनके तमाम समर्थकों से, क्या इस शख्स को तुम पाकिस्तानी एजेंट बताओगे? क्या इस शख्स को तुम देशद्रोही बताओगे सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी सियासत इससे इस वक्त मेल नहीं खा रही? यह ना कांग्रेसी समर्थक है ना यह पाकिस्तानी समर्थक है, तो इस शख्स को आखिर क्यों तुम देशद्रोही बता रहे हो? वो कहा भी है ना किसी ने कि शर्म तुमको मगर आती नहीं। तो देखा आपने
एक स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया जा रहा है और नागरिकता बिल को लेकर और खासकर दिल्ली के दंगों को लेकर भारत की दुनिया भर में जो बदनामी हो रही है, न सिर्फ बदनामी हो रही है बल्कि हम अपने दोस्तों को भी गंवा रहे हैं। और उस पर विदेश मंत्रालय का निहायत ही वाहियात बयान। सबसे पहले आपके सामने यह तस्वीर, यह तस्वीर है अफगानिस्तान के हेरात की। यह तस्वीर देखकर मेरा खून खौल गया था क्योंकि यहां पर भारतीय तिरंगे को जलाया जा रहा है। मगर क्या आप जानते हैं, यह पहली बार हुआ है पिछले कई सालों में, कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी अफगानिस्तान के अंदर भारतीय तिरंगे को जलाया गया था। क्योंकि आप अफगानिस्तान अगर जाएंगे ना तो वहां पाकिस्तानियों को अक्सर गालियां दी जाती हैं मगर भारतीयों को सराखों पर रखा जाता है। यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है? यह प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के दंगों के अंदर जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया पुलिस ने, यह प्रदर्शन हो रहा है जिस तरह से नागरिकता बिल को लेकर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, तो इन्हीं चीजों को लेकर अफगानिस्तान के अंदर पहली बार भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अब इस तस्वीर पर, इस वीडियो पर गौर कीजिए। बांग्लादेश पहुंचने वाले मोदी 17 मार्च को और यहां पर ये तमाम जमातें सड़कों पर हैं, ये प्रदर्शन कर रही हैं कि हम मोदी जी को घुसने नहीं देंगे। इस वीडियो के कुछ अंश देखिए और उसके बाद में बात करना चाहूंगा। यानी कि बांग्लादेश वो भी हमारा मित्र देश है और वहां पर भी आप देखिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब आप सवाल पूछना चाहेंगे कि चाहे बांग्लादेश की यह तस्वीर हो या अफगानिस्तान की यह तस्वीर, भारत को इसका नुकसान क्या है? गौर से सुनिए। पहले बात करते हैं हम अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान से हाल ही में तालिबान के साथ अमरीका ने एक शांति समझौता कायम करने की कोशिश की थी जिसमें भारत भी शरीक हुआ था, मगर वो समझौता बिखर गया है। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जैसे जैसे तालिबान ताकतवर होगा वैसे वैसे पाकिस्तान ताकतवर होगा, और जैसे जैसे पाकिस्तान ताकतवर होगा भारतीय हितों को टारगेट किया जाएगा। एक ऐसे माहौल में जहां भारतीय तिरंगे को वैसे ही जलाया जा रहा है, ऊपर से तालिबान ताकतवर होगा, तो आप सोचिए भारतीय हितों को कितना नुकसान पहुंचेगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। अगर आपने बांग्लादेश की इन तस्वीरों पर गौर किया होगा तो मैंने कुछ पत्रकारों से वहां बात की, उन्होंने मुझे बताया कि इन प्रदर्शनकारियों में कई कट्टर जमातें भी शामिल हैं। इन कट्टर जमातों के ताकतवर होने के साथ इस वक्त शेख हसीना जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो कमजोर होंगी जो एक भारतीय मित्र हैं, भारत की दोस्त हैं, और जैसे जैसे वो कमजोर होंगी ये कट्टरपंथी जमातें वो ताकतवर होंगी। नुकसान इसका बांग्लादेश को तो होगा ही बल्कि भारतीय हितों को भी होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप ऐसे देश से घिरे हों, ऐसे देश के साथ आपकी सीमाएं हों जो एंटी इंडियन हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयानों का जिसके चलते दिल्ली में दंगे हुए, या नागरिकता बिल को लेकर जो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है उससे भारत को कैसे फायदा हो रहा है? क्योंकि दुनिया भर में हमारी छीछा लेदर हो रही है, ऊपर से ये शख्स हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनसे सवाल पूछा गया कि इससे भारत को क्या नुकसान पहुंच रहा है, तो देखिए उन्होंने जवाब क्या दिया। सवाल क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चाहे अमरीका में डेमोक्रेट्स हों, ईरान हो या कोई और, सभी भारत के फैसलों पर आपत्ति जता रहे हैं। क्या हम अपने दोस्तों को गंवा रहे हैं या उन्हें अपना पक्ष नहीं समझा पा रहे हैं? जवाब में एस जयशंकर क्या कहते हैं आप सुनिए। शायद हमें अब पता चल रहा है कि हमारे असल दोस्त कौन हैं। एक वक्त था जब भारत के लिए चुनौतियां ज्यादा थीं, खतरे ज्यादा थे, वो रक्षात्मक मुद्रा में था, हम मुद्दों से दूर रहते थे। हम अब ऐसा नहीं कर सकते। अभी हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और आगे जाकर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जैसे जैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा किरदार भी बदलेगा। यह एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसा है। आप जानते हैं मुझे अब तक ऐसा लगता था कि एसएम कृष्णा, ये शख्स एसएम कृष्णा, भारतीय विदेश मंत्रियों के इतिहास में सबसे खराब विदेश मंत्री रहे होंगे, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि एस जयशंकर उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। नंबर एक, ये निहायत ही एहसान फरामोश शख्स हैं,
क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इन्हें सबसे बेहतरीन पोस्टिंग्स दी गई थी, बीजिंग से लेकर अमेरिका से लेकर तमाम बड़ी जगहों पर। मगर विदेश मंत्री बनाए जाने के बाद ये लगातार कांग्रेस को कोसते रहते हैं। मुद्दा वो नहीं है, जो इन्होंने बयान दिया, क्या इस बयान के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयानों या दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से पक्षपात बरता है दिल्ली दंगों में, क्या उसे जायज ठहरा रहे हैं? ये कहकर कि भारत पहले रक्षात्मक मुद्रा में रहता था, अब हम अग्रसर हो रहे हैं, अब हम आक्रामक हो रहे हैं, अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो भैया आगे बढ़कर आप क्या करोगे? यही नहीं, इन्होंने ये तक कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे को उठा रहा है, जैसे आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा क्यों नहीं उठाता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं एस जयशंकर साहब, संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत ने जो जो कोशिशें की हैं, आप खुद उन कोशिशों का हिस्सा थे, अब आप कैसे भूल गए उन्हें? अब संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे को उठा रहा है तो आप संयुक्त राष्ट्र को गाली देने लगे? मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि विदेश नीति को मोदी सरकार आखिर क्या दिशा देना चाहती है। क्या हम दुनिया में अलग थलग बने रहना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम अपने तमाम दोस्तों को गवा दें, संयुक्त राष्ट्र को गवा दें, अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सारे दोस्तों को गवा दें? आप जानते हैं आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सोमवार को, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और अब हम होली की तरफ बढ़ रहे हैं, आज मैं आपको एक तस्वीर बताना चाहता हूं जो बीजेपी का आईटी सेल लगातार वायरल कर रहा है। इस तस्वीर को, जो कि एक वीडियो का हिस्सा है, आप देख सकते हैं बुर्का पहने एक लड़की है और इसे जबरदस्ती रंग लगाया जा रहा है, यानी कि एक संदेश दिया जा रहा है कि होली के नाम पर एक लड़की को आप मोलेस्ट करो, उसे एक्सप्लॉइट करो, और इस वीडियो को लगातार वायरल किया जा रहा है। मगर इस वीडियो की मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने कल क्या किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही नायाब कदम था। उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल कई महिलाओं के सुपुर्द कर दिया और वो महिलाएं अक्सर अपनी बात कर रही थीं अपने इस ट्विटर हैंडल के जरिए। मगर आज मैं प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर एक, प्रधानमंत्री आज भी आप अपने ट्विटर पर कई ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करते हैं जो महिलाओं को गालियां देते हैं, बलात्कार की धमकियां देते हैं। आपको याद होगा जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी तो एक शख्स जिसे आप फॉलो करते थे, उन्होंने गौरी लंकेश की तुलना एक जानवर से की थी और जश्न भी मनाया था। आपने उस शख्स को उस वक्त अनफॉलो नहीं किया था। बात यहां नहीं रुकती, ये औरतें जब मैदान में थी, शाहीन बाग की औरतें, तब आपको याद होगा प्रधानमंत्री, आपके ये नगीना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने कहा था कि महिलाओं को आगे करके पुरुष जो हैं वो रजाइयों के अंदर बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं महिलाओं की तौहीन जैसा है। बात यहां नहीं रुकी, आपके विवादास्पद बड़ बोले प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक झूठे वीडियो का प्रसार किया था, ये कहते हुए कि ये इस बात का प्रमाण है कि शाहीन बाग की महिलाएं 500-500 रुपए में शाहीन बाग के में आकर बैठती हैं। हकीकत यह है महिलाओं को लेकर। मैंने आपको शुरुआत में बताया था किस तरह से एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है जिसमें एक लड़की को होली के नाम पर मोलेस्ट किया जा रहा है। आपको याद है जब धारा 370 को हटाया गया था, तब इस तस्वीर को वायरल किया गया था और यह नारे लगाए गए थे कि भगवाधारी करो तैयारी, कश्मीर में होगी ससुराल तुम्हारी। मैं जानता हूं जब मैंने इस मुद्दे को अपने कार्यक्रम में उठाया था तो बीजेपी आईटी सेल ने मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि ये तो साहब एक छिटपुट सा एक प्रोपेगेंडा था जिसे कुछ चंद लोग फैला रहे थे, मगर ये सरासर झूठ था। अब आप सुनिए उस वक्त विक्रम सैनी, जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने क्या कहा था कि गोरी गोरी लड़कियां लेकर आएंगे और जो कुआरे हैं उनकी शादी वही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो मुस्लिम कार्यकर्ता है अगर एक दो यहाँ पर टोरे भी खुशी मनानी चाहिए, शादी वहां करो ना कश्मीरी गोरी लड़की से। धारा 370 खत्म हो गया है, अब हमारे लड़के कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर
मानेवर मनोहरलाल खट्टर हरियाणा की मुख्यमंत्री, इन्होंने भी एक निहायत ही शर्मनाक बयान दिया था। क्या कहा था इन्होंने कि पार्टी के नेता धनखड़ साहब तो कहते ही रहते हैं कि हम बिहार से लाते हैं हरियाणा में लड़कियां, अब कोई ये कह रहा है कि अब कश्मीर में क्योंकि धारा 370 खत्म हो गया है इसलिए हम कश्मीर से भी लड़कियां ला सकते हैं। इन्होंने वो बात नहीं की जो विक्रम सैनी ने की थी, मगर यह भी निहायत ही शर्मनाक बयान था। प्रधानमंत्री, अगर वाकई आप महिलाओं के बारे में गंभीर हैं तो आपको इन नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए, और आपको लगाम लगाना चाहिए माननीय योगी आदित्यनाथ पर। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। बेटियों को स्कूल जरूर भेजें और उनके स्वास्थ्य की चिंता जरूर करें। जब बेटी और बेटा के बीच में भेदभाव खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वही योग्य बेटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आपका नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। तो मैंने इस पेशकश में आपको बताया कि इन्होंने शाहीन बाग की औरतों के बारे में क्या बयान दिया था। मैं वो मंजर भी नहीं भूला हूं जब योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इनके पार्टी के एक नेता ने कहा था कि कब्र से मुसलमान महिलाओं को निकालकर, आगे मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं जो उन्होंने कहा था। बात यहां नहीं रुकती। यह शख्स याद है कुलदीप सिंह सेंगर, इसे पार्टी से निकालते निकालते आपको 2 साल लग गए। इस पर पॉक्सो का केस था, इसे गिरफ्तार करने में पसीने छूट गए यूपी पुलिस के। आखिरकार इस शख्स पर यह आरोप लगा और जो साबित भी हो गया कि किस तरह से इसने जो पीड़ित महिला थी जिस पर बलात्कार किया गया था उसके पूरे परिवार को, लगभग पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसीलिए जब आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने आंसू बहाते हैं ना तो मुझे वो बहुत खोखला लगता है। खैर, न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।